नहीं दूंगा इस केस को, मैं सॉल्व करूंगा सर। चलता हूँ सर। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच। अरे देख सकते हैं कि ये अपराधी खुले में सिगरेट पी रहा है, लेकिन कोई इस पे नजर नहीं डाल। अबे भैया यूं कह रहा, जलेबी पूरी खाऊंगा, जलेबी पूरी खाऊंगा। हाईजैक पकड़। आज मैं आपको एक ऐसे अपराधी के बारे में बताने वाला हूं जिसे सुन के देख के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हां, हरामी स्थान से भागकर एक अलफायदा का सरगना आप ही के शहर में खुला घूम रहा है। अभी अभी पुलिस ने एक सीसीटीवी जारी किया है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये अपराधी खुले में सिगरेट पी रहा है, लेकिन कोई इस पे नजर नहीं डाल रहा। दूसरी सीसीटीवी में आप देख सकते हैं ये कैसे मरे मुर्दे को गोली मार रहा है। मतलब ये कुख्यात अपराधी इतना खतरनाक है कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों घबराइए मत, आप पुलिस इसकी छानबीन में लग चुकी है, तलाश में लग चुकी है, बहुत ही जल्द ये कुख्यात अपराधी पकड़ में आएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको ये अपराधी कहीं भी दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर में, तब तक लिए नमस्ते। बड़े अफसोस की बात है कि पब्लिक आज पुलिस पे सवाल उठा रही है। अलफायदा का सरगना हरामिस्तान से लेकर हमारे ही मुल्क में और हमारे ही शहर में आ चुका है दहशत फैलाने के लिए, और किसी के पास कोई प्लान है उसको गिरफ्तार करने का? अरे सर मैं हूँ ना, मेरा ऑफलाइन नेटवर्क ना इतना स्ट्रॉन्ग है ना, क्यों ढूंढ लूंगा उसको तो मैं। दे सर, इसके बिल्कुल भी बस की नहीं है। मेरे को तो ये केस जितने दिल्ली में चूहे नहीं है ना, उससे ज्यादा मुखबर है मेरे। आपके पास वर्दी, आपके पास पेंट तो है नहीं पूरी। ये सर वर्दी का क्या करना है, गर्लफ्रेंड से डेट पे जा रहा था, आपका फोन आ गया तो ऐसे ही आना पड़ा। आप भी किसी को पसंद हो? हाँ सर, क्यों आपको कोई शक है? ये तो इससे भी ज्यादा अफसोस की बात है। सर वो सब छोड़िए, केस की बात कीजिए आप। ठीक है फिर, ये केस मैं तुम्हें देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा, वरना मैं तो सोच रहा था कि आप कहीं इसको केस ना देते। तमीज से बैठो। सॉरी सर। मुझे सरगना जिंदा चाहिए, उसके पास बहुत सारी खुफिया जानकारी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर आपको जिंदा ही मिलेगा, टेंशन ना लो। ठीक है सर, तो करें हम इस केस पे काम। ठीक है फिर, ये केस तुम हैंडल करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अमेरिका का दलाल बहन। ठीक है सर। अरे सुनता तो जा, ये केस की फाइल तो ले जा। अरे सर 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 सर, अगर तुमने अलफायदा के सरगना को जिंदा पकड़ के ये केस सोल्व कर दिया तो नेक्स्ट तुम्हारा पक्का प्रमोशन। अरे सर ये तो बहुत खुशी की बात है सर, आपको मैं निराश नहीं होने दूंगा, इस केस को मैं सॉल्व करूंगा सर। चलता हूँ सर। बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच। यार एक काम करता हूँ, ये केस मैं ले लेता हूँ और फिर उसके बाद प्रमोशन पक्का। यस शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे वाह यार, तुझे तो केस मिल गया। यार मैं कुछ बात कहना था तुझसे। बोल ना। एक काम कर, ये केस मेरे को बेच दे, बता कितने रुपए लेगा। तो पागल हो गया क्या, इतनी मुश्किल से केस मिला तुझे बेच दूं मैं? बे 50,000 ले लियो। 50,000? चल एक काम कर, 5,00,000। 5,00,000 देख ले। हाँ हाँ, बड़ा भरोसा करके दिया उन्होंने मुझे। अरे यार तेरा भाई प्रो है, देखा। 5,00,000? अरे दे रहा हूँ ना, ऑफिस में आ जाइयो। अबे अरे सोनू, जनाब का फोन आ रहा है। ना उठा है, भाव लेगा इसका। जी जनाब। हेलो, अरे सोनू मोनू कहाँ रह गए भाई? जनाब हम थाने के बाहर खड़े हैं। अबे थाने के बाहर तो मैं भी खड़ा हूँ। अरे जनाब वो सिगरेट पीने आए थे खोखे पे। अबे तुम्हारी सिगरेट की, अबे सिगरेट विगरेट छोड़ो, जल्दी से आओ, एक केस आया हुआ है। जनाब बस एक सेकंड में आ गया। ठीक है, चल चल जल्दी आ, जनाब बुला रहे हैं, जल्दी आ। अरे तेरा मास्टर खड़ा हुआ वो बाबला। अबे इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। अरे वो जनाब मैं सिगरेट के खोखे पे। सिगरेट विगरेट छोड़ो, एक केस आया है, अपने दोनों के दोनों, अपने सारे पंटर खबरी लगा दो लाइन पे। अलफायदा का सरगना मुझे जिंदा चाहिए। जिंदा? हाँ जिंदा। तुम इतना सीरियस क्यों हो? अरे जनाब सुबह सुबह अपनी बीवी से लड़का आया है, इसकी बीवी ने बहुत मारा इसको। अच्छा चलो छोड़ो, बल्ली बिल्ला देन, अलफायदा का सरगना
मुझे जिंदा चाहिए। लगा दो अपने नेटवर्क दोनों के दोनों, जल्दी चल नेटवर्क लगाएंगे बढ़िया करके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे यार बहुत पैसा मांग रहा है ये तो। कितने मांग रहा है? अबे भैया यूँ कह रहा है जलेबी पूरी खाऊंगा। जलेबी पूरी खाऊंगा। जलेबी पूरी खाएगा? हाँ जलेबी पूरी नहीं, उसको बोल हलवा पूरी खिलाएंगे। अबे यार चल ठीक है हलवा पूरी। सुनो हम आ रहे हैं हलवा पूरी के लिए, ठीक है भाई? फटाफट आगे लागे लागे ले, निकाल 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 उसके पास के बाद निकाल निकाल। ठीक है आ रहे आ रहे आ रहे। खंडर वाले को मिला जल्दी से। यार मोनू सब पैसे मांग रहे हैं, सब ज्यादा मांग रहे हैं पैसे यार, नहीं मान रहा कोई भी। कितने ज्यादा मांग लिए? एक काम उसके पास चल चल। हाँ भाई पप्पू। हाँ जी खबर पक्की है? ये 500 लूंगा तब बताऊंगा। पहले हलवा पूरी की बात हुई थी। हाँ नहीं हलवा पूरी नहीं खानी, 500 चाहिए। तो 500 ले लियो कोई बात नहीं। D116 में पीछे के खंडरों में। खबर पक्की है ना? पक्की है एकदम। और अगर खबर पक्की ना निकली तो अंजाम तुझे मालूम है। पक्की है पूरी पक्की खबर मिलेगी मोनू। चल पहले तेरे पहुंच जाएंगे ठीक है भाई? अरे यार वो जनाब को फोन तो कर, बताओ उनको जल्दी से। ना तेरे जनाब को ही बता रहा हूँ मैं, रुक जा। तेरा होगा जनाब। हाँ जनाब। हाँ मोनू। मैं मोनू नहीं सोनू बोल रहा हूँ। अरे हाँ सोनू बोल। हाँ मैं ये कह रहा था भाई, वो खबरी ने खबर दे दी है और 500 रुपये पत्ती लगी है पूरी उसके अंदर। अब हाँ ठीक है दे दे। सर 250 रुपये पत्ती देनी पड़ेगी, आधी आधी करनी पड़ेगी। 250 ठीक है दिए, तू पकड़ ले बस। अच्छा ठीक है ठीक है। और एक काम करो उस पे खंडरों में आ जाओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ, लोकेशन भेज दे। मैं सेंड कर रहा हूँ। क्या बात है सर। मोनू अपने जनाब को लोकेशन भेज दे। यही नहीं अभी और सुनिए। आता ही होगा तेरा जनाब। भेज दी। 250 को क्या कहा था जनाब ने? अरे 250 मांग दे रहा है वो, और 250 उसको खबरी को दिए हमने। जी जनाब। अबे सोनू हुआ नहीं तेरा? हाँ अबे जनाब आ रहे हैं। हाँ जनाब। अबे जनाब आ गए। जनाब तेरे मेरे नहीं है वो। ठीक क्या कर रहा है भाई? ए दिख नहीं रहा, मुंह आ रहा था इसे। अरे सर जी पूरी रिपोर्ट मिल गई है। अबे जनाब इन्हीं खंडरों में है वो, पक्की खबर है। अबे तो ढूंढो ना फिर। 250 रुपये लाया हूँ ना। चलो ढूंढो ये। चल बे चलो चल 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 चल। और हाँ जिंदा। ठीक है। अरे नालायक कहाँ पल्ले पड़ गए मेरे। अबे क्यों रहा है? अबे तुझे तो उधर जाने के लिए कहा था। अबे ढूंढते मैं तो परेशान हो गया तेरा। सोनू साथ में ढूंढेंगे। चल चल दोनों चल 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 चल। अरे यार सोनू जल्दी चल जल्दी। यार मिल गया है। अरे सोनू मानू हम पीछे वाले कमरे में। हाईजैक पकड़। तूने बड़ा भगाया हम लोगों को, इसका मुखौटा तो हटाओ। अरे मास्टर जी। मास्टर जी अबे अलफायदा का सरगना है ये। अरे नहीं ये मेरे मास्टर जी हैं। हरामिस्तान से आया ये, इसको हमने। अरे मास्टर जी जी ये तो बताओ माजरा क्या है? अरे बच्चे मैं माजरा क्या बताऊं, वो हरामिस्तान से जो अलफायदा का सरगना आया है वो मेरी शक्ल में मिलता है यार, और इन्होंने वांटेड के पोस्टर छाप के मेरा जीना दूभर कर दिया है। पुलिस NIA CIA TRI CRF सब मेरे पीछे लगे हुए हैं यार। अरे वो बात तो सब ठीक है मास्टर जी, तुम्हारे चक्कर में मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया। अबे तेरे 5 लाख ने हमें 500 का नुकसान हो गया। अबे सालों 5 लाख ज्यादा होता है ये 500। अरे हमारे लिए तो 500 ज्यादा होता है यार। 3500 की तनख्वाह में 500 रुपये कटवा दिए। मोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, तेरे 5 लाख रुपए का मुझे पता है जुगाड़ कैसे वापस होंगे। हाँ मास्टर जी, लेकिन वो बताएंगे सेकंड एपिसोड में। ठीक है समझ गया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैटपाटा नेशन।